फ्रेंड्स, सो वेलकम माय चैनल नॉलेज ऑफ 24 फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। इस वीडियो में से लोग श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन सिर्फ वही लोग ही करते हैं जैसे किसी भट्ठे पे या फिर किसी ठेकेदार के अंडर में या फिर कहीं ऐसी जगह मजदूरी करते हों, सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हम बता दें, तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और जिस ठेकेदार के अंडर में आप काम करते हैं उसके लेटर पैड पे लिखा होना चाहिए कि हाँ, हम इतने दिन से ये बंदा हमारे यहाँ इतने दिन से काम कर रहा, वो पूरा आकर अपने लिखेगा और वही आपका ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा और साथ में बैंक पासबुक भी लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आकर आपको बताएंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको कंप्लीट इसका पूरा प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत होने का अवसर प्रदान करती है तथा श्रमिक पंजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत हुए मजदूरों को राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने करती है। तो यानी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जितनी भी सरकारी योजना मिलनी चाहिए वो आपको मिलना तैयार हो जाएगा इसके तहत। और आगे चलते हैं, तो इसमें पंजीकरण कैसे करना है, श्रमिक पंजीकरण 2020 पंजीकरण कैसे करें। तो इसके लिए जो पंजीकरण करना है, इस श्रमिक पंजीकरण के जरिए राज्य सरकार मजदूर वर्ग के लोगों को आसानी से आर्थिक महानता प्रदान करेगी, सहायता प्रदान कर सकती है और उत्तर प्रदेश के मजदूर के लिए शुरू की गई सभी सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे मजदूरों के बैंक खाते में आसानी से पहुंच जाएगा। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसी समय आपके बैंक खाते का डिटेल आपसे ले लिया जाता है और जब भी कोई योजना आती है तो उसी बैंक खाते में आपका पैसा जो होता है वो आपके खाते में भेजा जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो खाता आप दे वो चालू होना चाहिए हमेशा, उस खाते को बंद ना करें, कभी उससे लेन देन करते रहें, यानी कि इसमें योजना हमेशा आती रहती है। तो इसमें कब किस योजना के तहत आपको पैसे मिलने हैं कुछ पता नहीं होता है, तो इसीलिए आप जो भी बैंक खाता दें उस बैंक खाता हमेशा चालू रखें, उससे लेन देन करते रहें ताकि वो बैंक खाता बंद ना हो। तो उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड 2020 केवल मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए बनाया जा रहा है। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आपको पहले अपना श्रमिक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद ही आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी अपना श्रमिक पंजीकरण करवाना चाहते हैं और अपने उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं वह अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं या घर बैठे अपने ही मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं और कई प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। इस श्रमिक कार्ड के जरिए मजदूर परिवार के छात्र छात्राओं को भी लाभ मिलेगा, यानी जिसके माता पिता किसी श्रमिक कार्ड के जिसके माता पिता का श्रमिक कार्ड बना हुआ है उसके अगर उसके घर में कोई छात्र छात्राएं हैं तो इसके तहत उनको भी बहुत सारे लाभ मिलेगा। उसमें एडमिशन में छूट भी मिलती है, कुछ मतलब इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है इस योजना के तहत। तो इसमें बहुत सारी योजनाएँ हैं पहले से इसमें। तो उत्तर प्रदेश श्रमिक रजिस्ट्रेशन 2020 का मुख्य उद्देश्य जो है कि लोग अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने और जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते हैं तथा किसी निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ किया है। इस योजना के जरिए यूपी के मजदूर लोगों को तथा उनकी बेटियों और बेटों को उत्तर प्रदेश के श्रमिक से जुड़ी सरकारी योजना से अवगत कराना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है और राज्य के सभी श्रमिक अपना पंजीकरण करवा के श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं, इससे कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकेंगे। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवा सकता है, तो जो घर बनाते हैं और एक कुआं खोदने वाले, छप्पर छाने वाले, कारपेंटर, राजमिस्त्री, लोहार, प्लम्बर, सड़क निर्माण करने वाले, इलेक्ट्रिक वाले, पोताई करने वाले, हथौड़ा चलाने वाले, मोजेक पॉलिश, चट्टान तोड़ने वाले, निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले और पत्थर तोड़ने वाले, लेखाकार का काम करने वाले, बांध प्रबंधक, भवन निर्माण के अधीन कार्य आने वाले और खिड़की, ग्रिल एवं दरवाजे की गढ़ाई और स्थापना करने वाले, ईंट भट्ठे पर ईंट का निर्माण करने वाले तथा सीमेंट, पत्थर और ढोने का काम करने वाले और चूना पत्थर का काम करने वाले, ये सभी लोग जो हैं ये इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
अब इन सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं श्रमिक मजदूर। तो हम आपको योजना भी बता दे रहे हैं कि कौन कौन सी योजना में लाभ उठा सकते हैं। तो पहली योजना जो है मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है, यानी जिनके जो इसके माता पिता इसमें रजिस्टर्ड हैं, दो में से कोई भी, उनके बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और शिशु हित लाभ योजना, और तीसरा है निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना, मातृत्व हित लाभ योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। ऐसे ही 17 तरह के योजनाएं हैं जो अभी चल रही है, और इसमें योजनाएं हमेशा आती रहती हैं। तो इसमें और भी लाभ हैं, जैसे कन्या विवाह की योजना के तहत दो बेटियों की शादी पर 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। और दूसरा है मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत कक्षा 5 से 7 तक 4,000 रुपये, कक्षा 8 से 5,000 रुपये, और कक्षा 9 व 10 में 5,000 रुपये, कक्षा 11 व 12 में 8,000 रुपये, स्नातक से ऊपर इंजीनियरिंग या डिग्री की पढ़ाई करने पर 11,000 रुपये से 22,000 रुपये तक दिए जाएंगे। बीए के स्टूडेंट्स को 13 से 15,000 रुपये और एमए के स्टूडेंट्स को 15 से 17,000 रुपये। और मातृत्व हित लाभ योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को 12,000 रुपये और शिशु लाभ हेतु लड़का होने पर 10,000 और लड़की होने पर 12,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1,00,000 रुपये तथा भवन मरम्मत के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ श्रमिक पंजीकरण करवा कर श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद मजदूर लोग उठा सकते हैं। तो आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, और जिन श्रमिकों ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और बैंक का विवरण, परिवार रजिस्टर नकल, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र। अब इसमें पंजीकरण कैसे करना है ये भी बता दे रहे हैं। तो दोस्तों, राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक देंगे, उसी पर जाकर अपना पंजीकरण खुद भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो लिंक खुलेगा उसमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप पहुंचेंगे सबसे पहले तो आपके सामने एक होम पेज खुलेगा, और उसमें फिर आपको सामने लेबर एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी भाषा का चयन करना है, और फिर वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें, और फिर पोर्टल का उपयोग है तो पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यानी इसमें ये सब जो है ये आपको कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना है, और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे ये लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर किसी चीज़ में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके बताएं तो हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज तक यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ योजनाएँ लेकर।